पब्लिक टीवी आपकी आवाज। संभल पुलिस का मिशन एनकाउंटर लगातार जारी है। पुलिस और बदमाशों के बीच एक बार फिर मुठभेड़ हो गई, जिसमें दोनों ओर से फायरिंग शुरू हुई और जिसमें 15,000 का इनामी बदमाश और एक पुलिसकर्मी को गोली लगी। आपको बता दें कि पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में गिरफ्तार बदमाश के दो साथी फरार हो गए, जिनकी कॉम्बिंग जारी है। घायल बदमाश और पुलिसकर्मी को उपचार के लिए हायर सेंटर रेफर किया गया। आपको बता दें कि चंदौसी कोतवाली पुलिस आज संदिग्ध वाहनों की चेकिंग अभियान चला रही थी। इसी बीच पुलिस को एक बाइक पर 3 संदिग्ध लोग दिखाई दिए। पुलिस ने उन्हें रोकने का इशारा किया तो वो भागने लगे, जिसके बाद हरकत में आई पुलिस ने एसपी यमुना प्रसाद के नेतृत्व में वाहन सवारों की घेराबंदी शुरू कर दी। खुद को पुलिस से घिरता देख बाइक सवार बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसके जवाब में पुलिस ने भी फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में एक बदमाश को गोली लग गई, जबकि बदमाशों द्वारा की गई फायरिंग में एक पुलिसकर्मी घायल हो गया। इसी बीच पुलिस को चकमा देकर दो बदमाश भागने में कामयाब रहे। ये जनपद संभल में चेकिंग का अभियान चलाया जा रहा था, इसी दौरान सूचना मिली कि कुछ अपराधी एक रास्ते से आ रहे हैं। इस सूचना पे कई थाने की पुलिस ने घेराबंदी किया, जिसमें एक अपराधी जो छन्नू उर्फ श्याम सिंह था, इसके साथ दो और साथी थे, वो लोग एक बाइक से आ रहे थे, उनकी घेराबंदी की गई खंडवा रोड पे चंदौसी में। वहाँ पे जब इसको रोकने का प्रयास किया गया तो इसने पुलिस पे फायर किया, जिसमें हमारा एक सिपाही घायल हुआ और इसी क्रम में इसको भी गोली लगी है। दोनों को हॉस्पिटल भेजा गया है। इसके दो साथी मौके से फरार हैं, जिसके लिए कॉम्बिंग जारी है, अभी कॉम्बिंग किया जा रहा है। सर, घायल बदमाश पे कुछ इनाम भी है सर? हाँ, 15,000 का इनामिया है। ये गैंगस्टर का वांछित मुलजिम था बहजोई से, और अभी इसकी और भी क्रिमिनल हिस्ट्री पता की जा रही है। अभी तक पता चला है कि 10-12 आपराधिक इतिहास है, लूट, हत्या, डकैती के इस पे हैं, और अभी अन्य जनपदों से भी पता किया जा रहा है इसकी क्रिमिनल हिस्ट्री।